करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन के अंदर हमको एक ग्राफ गिवन है, ठीक है, और ये जो ग्राफ है ये एक्सेलरेशन और एक्स के बीच का ग्राफ है। हमसे फ्रीक्वेंसी पूछी जा रही है, फ्रीक्वेंसी का मतलब इनवर्स ऑफ टाइम पीरियड, राइट। अब क्योंकि ये ए और एक्स के बीच में ग्राफ है तो इसका जो स्लोप होगा वो मुझे क्या देगा, वो मुझे देने वाला है टेन थीटा की वैल्यू। तो सबसे पहले हमको ये पता है कि SHM के अंदर जो एक्सेलरेशन की इक्वेशन होती है वो होती है ए इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, ठीक है। अब स्ट्रेट लाइन दे रखी है मुझे, ए और एक्स के बीच में ग्राफ है, तो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है वाई इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। अब इन दोनों इक्वेशंस को मैं कंपेयर कर लेता हूँ। यहाँ पे मेरे को पता है वाई एक्सिस पे क्या मिलेगा, एक्सेलरेशन, ठीक है। एक्स एक्सिस पे एक्स ही होगा, ओके, डिस्प्लेसमेंट है एम, एम का मतलब होता है स्लोप, स्लोप का मतलब होता है टेन थीटा, वो किसके बराबर है, माइनस ओमेगा स्क्वायर के। तो यहाँ पे हमको पता है इसका स्लोप नेगेटिव है, माइनस ओमेगा स्क्वायर के बराबर होगा। सी, सी मतलब इंटरसेप्ट, क्योंकि यहाँ पे इंटरसेप्ट है ही नहीं, क्योंकि जो लाइन है ओरिजिन से पास हो रही है, इसलिए सी हमारा ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं स्लोप की, स्लोप हमारा नेगेटिव है। ये एंगल हमको क्वेश्चन में थीटा दिया हुआ है, तो अगर ये एंगल हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा है तो ये एंगल भी वर्टिकली अपोजिट है, थीटा होगा। अगर ये वाला एंगल थीटा है तो डियर स्टूडेंट्स ये वाला एंगल होगा 180 माइनस थीटा, ठीक है ना, ये वाला एंगल होगा 180 माइनस थीटा। अब मेरा स्लोप क्या होगा इस लाइन का, 180 माइनस थीटा, क्योंकि हम हमेशा जो भी एंगल होता है वो कहाँ से मेजर करते हैं, एक्स एक्सिस से मेजर करते हैं और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर करते हैं। तो ये वाला जो मेरा, मेरे को ये वाला एंगल चाहिए इस लाइन का स्लोप निकालने के लिए, मुझे ये वाला एंगल चाहिए, तो ये वाला एंगल होगा टेन ऑफ 180 माइनस थीटा, ठीक है ना। और जो हमारा एम के बराबर होगा, और हमारा एम किसके बराबर है, वो माइनस ओमेगा स्क्वायर के बराबर है। अब टेन 180 माइनस थीटा किसके बराबर होता है, टेन 180 माइनस थीटा माइनस टेन थीटा के बराबर होता है। ये आपने पढ़ा होगा आफ्टर स्कूल टू कॉलेज वाला फॉर्मूला जो होता है, उसमें से हम ये निकाल सकते हैं कि टेन 180 माइनस थीटा माइनस टेन थीटा के बराबर है, और माइनस टेन थीटा किसके बराबर हो गया, माइनस ओमेगा स्क्वायर के बराबर हो गया, और माइनस माइनस कैंसिल हो गया यहाँ से, ठीक है। अब मुझे ये पता लग गया कि क्वेश्चन में मेरे को एक डेटा गिवन है कि टेन थीटा जो है वो 8 के बराबर है, 8 के बराबर। तो अब इस चीज़ का मैं यूज़ कर लेता हूँ, यहाँ पे टेन थीटा है तो टेन थीटा की जगह क्या लिख देता हूँ, 8 लिख देता हूँ, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है ये। तो ओमेगा स्क्वायर बराबर 8 हो गया, यानी कि अगर मैं स्क्वायर को इधर ले जाऊँ तो ओमेगा बराबर 2√2 हो गया, और टाइम पीरियड क्या होता है, 2π/ओमेगा, ओमेगा मतलब 2√2, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, π/√2 आ गया, तो यानी कि फ्रीक्वेंसी क्या आ गई, √2/π आ गई। सो दिस इज़ द वे टू सॉल्व दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। इफ़ यू लाइक दिट प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर इट। थैंक यू।